हेलो दोस्तों, दिस इज़ रमीज। इस वीडियो के अंदर हम आपको टी शर्ट प्रिंट करके दिखाने वाले हैं। टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स है। पहला जो मटेरियल्स है मेरे पास वो है सब्लिमेशन पेपर। इसको बनाने के लिए हम एप्सन प्रिंटर का यूज़ किए हैं, मॉडल नंबर L130। दूसरा जो मटेरियल्स है मेरे पास वो है हीट ट्रांसफ़र विनाइल शीट। इसको बनाने के लिए हम कटिंग प्लॉटर मशीन है उसका इस्तेमाल किए हैं। इस तरीके से मेरे पास दो तरह के मटेरियल्स है, पहला हीट ट्रांसफ़र विनाइल शीट और दूसरा जो है वो आपका सब्लिमेशन पेपर। इस दोनों तरीके से हम टी शर्ट में प्रिंट करके देखने वाले हैं कि दोनों किस तरह से प्रिंट होता है और दोनों की क्या क्वालिटीज़ है। आप अगर हमारे चैनल में नए आए हैं और आपको इस तरीके का वीडियोज़ या इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ देखना या सीखना पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल रमीज ब्लॉग को सब्सक्राइब कर ले। आप हमारे वीडियोज़ को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। चलिए वीडियोज़ को देखते हैं। ये हमारे पास ऑरेंज कलर की टी शर्ट है, इसके ऊपर हम लोग सब्लिमेशन पेपर को इस तरीके से रख देंगे, ऊपर में यहाँ पर रख देंगे। हम लोग टी शर्ट के बीचों बीच जो है वो टफलोन शीट का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो इसका इंक है वो निचले लेयर में, टी शर्ट के निचले लेयर में ना चला जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे टफलोन शीट का यूज़ करते हैं टी शर्ट के बीचों बीच। इसके ऊपर में भी हम लोग क्या करेंगे, एक टफलोन शीट यहाँ पर भी लगा देंगे ताकि इस सेक्शन में जो है यहाँ पे कलर ना जाए। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग प्रेस कर देंगे और ये जो टाइमिंग है वो 70 सेकेंड की टाइमिंग है और टेम्परेचर जो है इसका वो है 215। तो ये अपने समय में ये कंप्लीट हो जाने के बाद ये टी शर्ट छप के तैयार हो जाएगा। सब्लिमेशन पेपर में टेम्परेचर और टाइम बढ़ा के देना होता है और जब हम लोग हीट ट्रांसफ़र विनाइल शीट का यूज़ करेंगे तो इसमें इतना टाइमिंग का और इतने से जो टेम्परेचर का है वो ज़रूरत नहीं पड़ता। ये टाइम कंप्लीट हो चुका है, अब इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। ये देखिए प्रिंट हो चुका है। अब हम लोग इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे अब हम लोग हीट ट्रांसफ़र विनाइल शीट को यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोग जो टेम्परेचर और जो टाइमिंग है वो हटा लेंगे। इसके ऊपर हम लोग टफलोन शीट रख देते हैं। टी शर्ट जो है वो प्रिंट हो चुका है और दोनों की क्वालिटी अपने आप में बेहतर है।